दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियां सबसे ज्यादा होती है। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं और आपका खान पान स्वस्थ नहीं है तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखा जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर वन है दोस्तों अखरोट। अखरोट में दोस्तों ओमेगा 3 और मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अखरोट खाने से 15% तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी माना जाता है कि अखरोट शरीर के सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे शरीर में रक्त वाहिकाओं के कार्य में सुधार हो सके। अखरोट में ओमेगा 3 के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई भी काफी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑलिव ऑयल। जी हाँ दोस्तों, एक और सुपर फूड के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आमतौर पर जो कि आपके किचन में मौजूद होता है वो है दोस्तों ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल दोस्तों मोनोसेचुरेटेड फैट का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये शरीर के सूजन को कम करने की क्षमता रखता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी दोस्तों कम करता है। यदि आप ऐसे आहार के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपके हृदय के लिए बेहतर हो तो आप ऑलिव ऑयल का सेवन कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों रेड वाइन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शराब पीना हानिकारक होता है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन दोस्तों एक वैज्ञानिक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि रेड वाइन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी मदद करता है। दरअसल वाइन एक विशेष प्रकार के अंगूर से निर्मित होता है जिसे टेम्परानिलो रेड ग्रेप के नाम से जाना जाता है। ये लो कोलेस्ट्रॉल में काफी प्रभावी होता है। रात को एक ग्लास वाइन का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी लाभदायक होता है। नेक्स्ट दोस्तों ऑरेंज जूस। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज जूस को दोस्तों आप आमतौर पर सुबह के नाश्ते में पी सकते हैं। ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा ऑरेंज जूस में मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। एक रिसर्च के मुताबिक संतरे के जूस को नियमित रूप से पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखा जा सकता है। और आखिरी है दोस्तों चाय। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी के दोस्तों गुणों से हर कोई वाकिफ है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण से बचाता है। एक शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज ग्रीन टी का सेवन करते हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम रहता है। ग्रीन टी 5 से 6 अंक तक कोलेस्ट्रॉल की कुल मात्रा और LDL के स्तर को कम करने में बहुत ही लाभकारी होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे फूड जिनका सेवन अगर आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या में करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।